मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नियर सेकंड ईयर आपका सब्जेक्ट है पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियोस में मैंने आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करी थी, तो उसके अंदर बेसिकली मैंने आपको ये बताया था पुस्तकालय क्या होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो पुस्तकालय होता है वो वह स्थान होता है जहाँ पर संसाधनों को संग्रहित किया जाता है, और स्टूडेंट्स वहाँ जाकर क्या करते हैं, अपने मानसिक और बौद्धिक विकास के स्तर को डेवलप करते हुए क्या करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं। किसके माध्यम से? रेफरेंसेस होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब मैंने आपका जो नेक्स्ट आता है उसके अंदर फिर मैंने आपको बताया था कि वो कौन से माध्यम हो सकते हैं, मतलब पुस्तकालय में कौन कौन सी चीज़ें को रखा जाता है जिसके माध्यम से ज्ञान में वृद्धि होगी। तो मैंने आपको ये बेसिकली बताया था कि पत्र पत्रिकाएँ होती है, रेफरेंसेस बुक होती है, टेक्स्ट बुक्स होती है, इसी के साथ कवि गोष्ठी लेखन होती है, इसी के साथ जो आपका पब्लिश हुई भी जो बुक्स होती है, जो रिसर्च वाली बुक्स होती है, वो सभी की सारी चीज़ें उसमें किसमें रखी होती है, लाइब्रेरी के अंदर। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद वो आता है विभिन्न विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संसाधन का उपयोग क्या है। तो पहला जो उपयोग
बेसिकली क्या यूटिलाइज करता है, वो चीज़ें मतलब लाइब्रेरी के अंदर वो क्या बच्चों को प्रोत्साहित करता है, तो शिक्षक के लिए ज्ञान का सोर्सेज होता है। क्यों होता है कि शिक्षक जो भी पढ़ाना चाहता है, जो कंटेंट पढ़ाना चाहता है, तो अपने कैरिकुलम के अकॉर्डिंग के अतिरिक्त वो क्या करता है, उसके जो कंटेंट होता है उससे संबंधित अन्य प्रकार की पुस्तकें पढ़ने में रुचि उत्पन्न करता है और उनके अतिरिक्त पुस्तकों के माध्यम से वो क्या करता है, ज्ञान में वृद्धि करता है। इसी के साथ क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के ग्रंथों, साहित्य आदि के माध्यम से भी क्या करता है, अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। जिसका जो मतलब जो इसने जो रिमाइंड किया है वो किसको बताता है, फिर वो छात्रों के सामने समूह को प्रस्तुत करता है। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा कंटेंट है कि शिक्षक में ज्ञान का सोर्सेज मतलब ज्ञान का क्या भंडार है एक तरह से। वो फिर आता है नवीन शिक्षण नीतियों का ज्ञान। फिर नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों को
विद्यार्थियों को उचित अध्ययन में सहायता, मतलब इसके अंदर क्या होता है, बच्चे अपने प्रेफरेंस अतिरिक्त या फिर आपका जो करिकुलम होता है उसके अतिरिक्त रेफरेंसेस बुक के माध्यम से भी रीड आउट कर सकते हैं, जिसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। उनके मतलब जो वो पढ़ना चाहते हैं कोई भी प्रकरण कोई भी विषय को जब वो चूज करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज उन्हें मिल जाती है, तो विद्यार्थियों को उचित अध्ययन में सहायता प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रेरणा। हम कई प्रकार की किस तरह जैसे प्रायोगिक से रिलेटेड है, जो वैश्वीकरण से रिलेटेड है, किस तरह हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार का है, हम दहेज प्रथा को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हमें उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। साइंटिफिक रीजंस होते हैं जो लोग एक हवा होता है लोगों के अंदर कि एक साइंटिफिक से, तो वो सारी बातें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या होता है एक तरह से सहायक मिलता है। मतलब वो बच्चे जब अपने जब विभिन्न प्रकार की कहानियों को लघु कथाओं को पढ़ते हैं तो उनको अंदर ये बताया जाता है कि किस तरह उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होगा, या फिर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी लेटेस्ट टेक्निकल क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें उन्हें पुस्तकालय के माध्यम से मिल जाती है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो मैंने आपके प्रकरण में लिखा है, एक संसाधन है, एक प्रकार का अधिगम संसाधन है, कौन सा, समाचार पत्र। जैसा कि आपको पता है शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग, जैसा कि आपको मालूम है समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है वो एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक हम विकिपीडिया मान ले या हम एक डिक्शनरी मान ले या फिर हम एक बुक भी से मान सकते हैं। इसके माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार की हर जगह की देश में किसी भी भाग का किसी भी क्षेत्र की जानकारी हमें इसमें से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अगर हम प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में जो समाचार पत्र था उसका क्षेत्र बहुत संकुचित था। क्यों था, उसके अंदर क्या किया जाता था, सिर्फ सूचना को उपलब्ध किया जाता था, मतलब सूचना को सिर्फ प्रदान किया जाता था। इसके अलावा क्या किया जाता है, सूचना को प्रदान करने के साथ साथ जो उन्होंने सूचना प्रदान करी है बस उन्हें एक प्रकाशित किया जाता था, बस एक उल्लेख घटनाओं का उल्लेख किया जाता था, बस इनका यही एक क्या होता था, उद्देश्य होता था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, समाचार पत्रों की भूमिका में परिवर्तन हुआ है। अब जो समाचार पत्रों का क्षेत्र है वो क्या माना जाता है, व्यापक माना जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से एक छात्र के अंदर या फिर एक शिक्षक के अंदर बहुत सारी आदतों का विकास होता है, उनमें श्रद्धा की भावना का विकास होता है, ठीक है, इसी तरह उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, वो नई टेक्निकल चीज़ों को जान सकते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ों का विभिन्न प्रकार के मूल्यों का विकास होता है। तो समाचार पत्र का क्या उपयोग है एक शिक्षण अधिगम में, वो इसके पॉइंट्स हैं। तो देखो पहला पॉइंट्स है समाचारों की शैक्षिक उपयोगिता को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। उसमें पहला नंबर है स्वाध्याय का विकास, ठीक है, पहला है स्वाध्याय का विकास कि जैसा आपको पता है छात्रों द्वारा नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने से उनके अंदर सामाजिक और साहित्यिक विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी और वो उसके अंदर रुचि जागृत कर पाएंगे। अगर वो नियमित रूप से समाचार पत्र को पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, जब वो अपने कंटेंट पे आएंगे तो क्या होगा, उससे वो अपनी पाठ्य पुस्तक
छात्रों को भी सरल एवं सहज रूप से पढ़ने में भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ क्या होगा, इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के माध्यम से या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में स्वाध्याय का विकास होगा। जैसे कि आपको पता है कि एक इंग्लिश स्पीकिंग का होता है, जैसे आपको बताया जाता है कि जितना आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ोगे अपने आप उस वोकैबुलरी को निकालते हो। वोकैबुलरी निकालने के बाद आप क्या करते हो, उस कंटेंट की नॉलेज को उसका मीनिंग सर्च करते हो। तो आप में कौन सी आदत विकसित हुई है, स्वाध्याय का विकास हुआ है। आपके अंदर स्वयं करने की आदत विकसित हुई है क्योंकि आपको इम्प्रूव करना है, तो आपने खुद उस चीज़ को पढ़ा, सेंटेंस को पढ़ा, उसके बाद वोकैबुलरी निकाली, वोकैबुलरी निकालने के बाद आपने खुद मीनिंग सर्च किया। ये कब होगा, जब आप नियमित रूप से इसका अध्ययन करोगे। तो बेसिकली जो समाचार पत्र होता है वो शैक्षिक अधिगम में स्वाध्याय की भावना का विकास करता है। फिर सेकेंड आता है भाषाई विकास। भाषाई विकास, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था इंग्लिश वाला, इसी तरह भाषाई विकास। अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चे जब समाचार पत्रों में रुचि उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है, उनमें विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है, जानकारी होती है, ठीक है। इसी के साथ वो क्या करते हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गए लेख और संगत भाषा शैली के माध्यम से क्या करते हैं, उनके अंदर भाषा योग्यता एवं कौशलों का विकास होता है। इसी के साथ क्या होता है, जब वो उसको पढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस को देखते हैं, तो उनके अंदर विभिन्न प्रकार के नवीन साहित्यिक शब्दों का विकास होता है। नहीं, और इन शब्दों का प्रयोग वो किसके लिए करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग जब वो करेंगे तो उनमें कौन सी भाषा विकसित होगी, उनकी लेखन और विचार भाषा शैली उनके अंदर क्या होगी, विकसित होगी। मतलब लेखन और वाचन शैली वही सेम चीज़ है इंग्लिश स्पीकिंग का। इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप बार बार उसी लाइन को पढ़ोगे तो आपके अंदर क्या होगा, आपका बोलने का स्किल्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। और उसके बाद क्या होगा, आपको जो चीज़ समझ में नहीं, नए नए शब्द, मैंने बताया नए साहित्यिक शब्द हिंदी के कंटेंट में, इंग्लिश में नए नए जो वोकैबुलरी होती है वो आप निकाल के लाते हो। फिर जब उन शब्दों का प्रयोग करते हो, जब उन वोकैबुलरी का प्रयोग करते हो, तो आपके अंदर अपने आप ही वो स्किल्स डेवलपमेंट होती है। सेम ऐसे इसके अंदर लेखन शैली और भाषा शैली का क्या होता है, विकास होता है। तो शैक्षिक अधिगम में समाचार पत्र के माध्यम से छात्रों के अंदर भाषा विकास होता है। फिर नेक्स्ट आता है गणितीय ज्ञान का विकास, ठीक है। समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों के अंदर गणितीय ज्ञान का विकास होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप देखते हो कभी न्यूज़पेपर्स के अंदर जो छोटे छोटे मतलब जो कलरफुल अखबार आते हैं, जो पेपर्स आते हैं, उसके अंदर वर्ग पहेली दी जाती है, और उसके अंदर वर्ग पहेली को फिल करने के लिए आपको एक पुरस्कार से सम्मानित या पुरस्कार प्रदान करने का एक तो बताया जाता है कि इसमें आपको पुरस्कार मिलेगा। तो आप उस वर्ग पहेली को हल करने के लिए पूरी मतलब मेहनत करते हो, उसके लिए पूरा जुट जाते हो, तो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके अंदर अपने आप ही गणितीय ज्ञान का विकास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है नैतिक विकास। कभी कभी समाचार पत्रों में कुछ न्यूज़ कुछ घटना ऐसी होती है जो हमारे नैतिक विकास को प्रभावित कर देती है। जैसे कि आपने देखा है, जैसे कोई महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड होता है या महिला से रिलेटेड जो घटनाएं होती है, आप उस चीज़ को देखते हो कि किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है लेकिन इसका किसी ने सम्मान किया है, तो आप उसको मोटिवेट होते हो, उसके अंदर आप देखते हो कि नहीं, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार किसी चोर ने किसी का बैग चुरा लेता है, वो गुंडा अगर आप पढ़ते हो उसके अंदर, तो आप देखते हो कि उसके द्वारा बैग वापस लौटाया जाता है, ठीक है। चोरी चोर के द्वारा भी बैग वापस लौटाया जाता है, या फिर किसी ने जब चोर से बैग लिया तो वो उसको ना उसने अपने पास ना रखकर जिसका बैग उसको दिया। तो अब ऐसी छोटी 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 घटनाओं में जब आप देखते हो तो आपके अंदर किसकी भावना का विकास होता है, नैतिक मूल्य का विकास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है। फिर फिफ्थ आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों के अंदर परोपकार एवं सामाजिक गुणों का
धर्म क्षेत्र और लघु कथा प्रेरक प्रसंगों के शीर्षक के अंतर्गत जब विभिन्न प्रकार की प्रसंग या लघु कथाएं आपको देखने को मिलती है, उससे तो आप उसमें क्या नॉलेज डेवलप करते हो? आपको ये ज्ञान होता है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, दूसरों बड़ों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, सहभागिता की भूमिका निभाना चाहिए। तो प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से या लघु कथाओं के माध्यम से आपके अंदर कौन से गुणों का, सामाजिकता के गुणों का विकास होता है? फिर नेक्स्ट अगर है और याद करनी है ज्ञान, समाचार पत्र के अंदर एक समसाहित्व नामक शीर्षक होता है, उस शीर्षक के अंदर पेरेंट्स से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है। अभी लेटेस्ट में किस प्रकार पेरेंट चल रहा है, किस प्रकार एनवायरनमेंट है, या फिर हमें किस दूषित नहीं रखना है, या टेक्निक आगे क्या सर्वाइव करना है, किस तरह मतलब सारा का सारा जो स्ट्रक्चर होता है पेरेंट से रिलेटेड संशय घटनाओं के शीर्षक के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो उसके माध्यम से जब हम उसको डेली हम जब उसके अंदर रुचि प्रकट करेंगे, उसको पढ़ने में, उसके लेख को पढ़ने में जब हम रुचि प्रकट करेंगे, तो अपने आप ही हमारे अंदर पेरेंट ज्ञान क्या हो जाएगा हो जाएगा। सामान्य ज्ञान का विषय, सामान्य ज्ञान का विकास, ये सबसे बेसिक है, क्योंकि आपको पता है कि समाचार पत्रों में राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय से रिलेटेड सभी प्रकार की सूचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जब हम नियमित रूप से समाचार पत्र का अध्ययन करते हैं तो हमें इन सभी प्रकार की सूचनाएं याद पता लग जाती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय के अंतर्गत हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम करोगे तो इसके लिए आप बहुत बेनिफिट होगा।
इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के अकॉर्डिंग, वो आप उससे पढ़ के अपने ही सभी चीज़ों का विकास कर सकते हो। अब आपका जो जिम्मेदारी है अर्थशास्त्र, शिक्षण अधिगम में